ये जो रिंग जा रही है अमानतुल्ला खान को है। हेलो अमानतुल्ला खान बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? सुरेश चौहान के सुदर्शन चैनल के बिंदास बोल से बोल रहा हूँ। ये कौन है? ये न्यूज चैनल है अगर, अरे इसको सुन के तो नींद नहीं आती तुमको, और पूछ रहे कि कौन बोल रहे हैं? ये कहाँ से आ गया? हाँ ये जो धमकी तुमने दी है नरसिंहानंद को गला और गर्दन काटने पे, इस पर तुम्हारी राय पूछ रहा हूँ। तुमको बोलने का मौका नहीं दिया इसलिए, तुमको कल चिल्लाने का मौका न मिले इसलिए। ये देखिए इसके औकात, सुदर्शन के खिलाफ इसको सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे। हमने भी जानबूझ के सीधे कॉल कनेक्ट करके लाइव में लिया था कि कल इसको पीसीआर से ही कॉल डिस्कनेक्ट करने का मौका न मिले। दोबारा लगाओ, देखते हैं इसको नरसिंहानंद जी की गर्दन काटना तो दूर की बात है, सुरेश चौहान कैसे फोन पर बोलने की भी हिम्मत नहीं है। दोबारा रिंग जा रही है, देखते हैं। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ कर दिया अमानतुल्ला, ये तेरे असली औकात है। तू फोन पर भी नहीं आ सकता, तू विधायक होके एक चैनल से बात नहीं कर सकता, और तू गर्दन काटने की धमकी देता है। क्या करूंगा मैं तेरा इस वक्त फोन पर? सवाल ही तो पूछूंगा ना, लेकिन बातचीत नहीं, ना नबी पे ना कुरान पे, अरे अमानतुल्ला पे भी बात नहीं हो सकती। ये तेरे संस्कार है। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ FIR दर्ज की है। यह FIR यति नरसिंहानंद सरस्वती का गला काटने की बात को लेकर दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस ने आप विधायक के खिलाफ IPC की धारा 153A 506 के तहत मामला दर्ज किया है। बता दें कि डासना देवी मंदिर के मुख्य पुजारी यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ शनिवार को दिल्ली पुलिस ने संसद मार्ग थाने में धार्मिक भावनाएं भड़काने और अन्य धाराओं के मामला दर्ज किया था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो पर स्वतः संज्ञान लेकर पुलिस ने यह कार्रवाई की थी। साथ ही आप विधायक ने जमीय नगर थाने में शिकायत देकर नरसिंहानंद पर इस्लाम धर्म पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। अमानतुल्ला खान ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि नरसिंहानंद सरस्वती जानबूझकर ऐसे बयान दे रहे हैं। ऐसा करने से देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। शिकायत में उन्होंने कहा कि उनके मोबाइल पर सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो आया, उसमें नरसिंहानंद सरस्वती अभद्र बयान दे रहे हैं। वीडियो दिल्ली प्रेस क्लब का बताया जा रहा है। विधायक ने शिकायत में कहा कि नरसिंहानंद सरस्वती संगठन हिंदू स्वाभिमान से जुड़े होने के अलावा अखिल भारतीय संत परिषद के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने एक समुदाय की भावनाएं भड़काकर उसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ऐसी हरकत की है। पुजारी के खिलाफ थाने में शिकायत देने के बाद अमानतुल्ला खान ने वहीं खड़े होकर एक वीडियो बनाया और उसे जारी कर दिया। उन्होंने थाने में ही खड़े होकर कह दिया कि भारत में शरिया कानून होता तो पुजारी की गर्दन और जुबान काट दी जाती। चूंकि भारत में शरिया कानून नहीं है, इसलिए पुजारी को देश के कानून के हिसाब से सजा दी जाए।